सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एंड यार, आज की वीडियो सीरियसली भाई पूरी एंड तक देख के जाना, क्योंकि आज काफी मस्त वाली अपडेट्स मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। जैसे ही गाइस मैं आपको बताऊंगा अपने गेम में भाई कौन सा न्यू पेट आ रहा है, किस तरीके का दिखता है, एंड सेकंड थिंग भाई उसकी एबिलिटी क्या होगी वो भी एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ गाइस बात करने वाले अपने गेम में आने वाला एक बिल्कुल ही न्यू कैरेक्टर जिसका नाम सीरू है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो फाइनली भाई इसकी एबिलिटीज का पता चल चुका है, तो क्या इसकी एबिलिटीज है वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। इसी के साथ गाइस आप सभी को बताऊंगा जो अपने गेम में आने वाला एक रोज वाला इमोट होता है एंड अपना एक हर्ट वाला इमोट होता है वो कब आपको दिया जाएगा उसकी सारी न्यूज दूंगा। एंड यार और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जैसे अपनी मिस्ट्री शॉप वगैरह भी भाई बात करेंगे, तो भाई प्लीज से वीडियो पूरी एंड तक देख लेना। तो चलिए गाइस हमेशा की तरह अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो से। तो यहाँ पे गाइज अपनी वीडियो कंटिन्यू करने से पहले भाई एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो भी न्यू आया है भाई प्लीज वीडियो लाइक कर देना, एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार क्या कर रहे हो भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को भाई ऑल पे प्रेस कर दो, क्योंकि हमें यार अब जल्दी से अपनी 300K की फैमिली भी टच करनी है, तो प्लीज यार सारे भाई मिलकर एक साथ सपोर्ट कर दो। तो चलिए गाइज मैं आपको सारे के सारे अपडेट्स बता देता हूँ। गाइज यहाँ पे आप सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने गेम में आने वाला एक बिल्कुल ही न्यू पेट, ऑलरेडी मैंने इसकी डिटेल्स दे रखी है। तो गाइज इस पेट का नाम बताया जा रहा है ड्रैको, एंड ये जब अपना पेट अपने इंडिया सर्वर में आ सकता है तो लगता है इसका नाम चेंज हो जाए, अभी इसका नाम जो है भाई कंफर्म नहीं है। तो अभी जो गाइस इसकी क्लिप निकल गई थी उसके अकॉर्डिंग भाई ये देखने में कुछ इस टाइप का लगता है, एंड इसकी जो एबिलिटीज हैं वे भी भाई मतलब काफी सही हैं। अगर आपके आसपास गाइस कोई बंदा मतलब मेडिकेट लगा रहा है तो भाई उसकी ये लोकेशन बता देगा आप सभी लोगों को। मान लो गाइस आप लोग किसी हाउस में जाकर बैठते हो, वहां पे कैंप करते हो, एंड वहां पे ऑलरेडी कोई बंदा बैठा होता है, आपका एनिमी बैठा होता है, एंड अगर वो अपनी मेडिकेट लगाता होता है तो भाई अगर आपके पास ये पेट है आपको तुरंत उसकी भाई लोकेशन का पता चल जाएगा कि किस जगह पे वो बैठा है। ऐसे मत समझ देना आप लोग कि पूरे बरमूडा मैप में जो भी मेडिकेट लगाएगा उसकी लोकेशन दिखा देगा, तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इसकी रेंज इसकी जो है ना पे रेंज बताई जाएगी, उस रेंज के अंदर अंदर जो बंदा भाई यहाँ पे मेडिकेट लगाएगा ये उसी की भाई आपको लोकेशन शो करा देगा। एंड सीरियसली बताऊं तो यार मैं इसको इसकी एबिलिटीज जो है भाई ठीक ठाक लगी है, एवरेज लगी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता आपको कैसी लगी है। इसी के साथ गाइज अपने OB26 के अपडेट में आएगा एक बिल्कुल ही न्यू करेक्टर जिसका नाम बताया जा रहा है शीरू, एंड हो सकता है जब ये करेक्टर अपने गेम के अंदर आए इसका भी नाम चेंज कर दिया जाए। गाइज अभी तो इस करेक्टर का नाम भाई शीरू करेक्टर बताया जा रहा है, लुक वाइज आप लोग देख सकते तो बहुत हैंडसम लग रहा है यार, आलोक से ज्यादा स्मार्ट नहीं है। गाइस आप लोग कमेंट करके फटाफट बताओ आपको कौन सा करेक्टर ज्यादा स्मार्ट लगता है, अपना सीरू करेक्टर ज्यादा स्मार्ट लगता है या फिर अपना आलोक करेक्टर ज्यादा स्मार्ट लगता है, तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताओ। तो अब बात करते हैं गाइस इस करेक्टर की एबिलिटी की, तो भाई सीरियसली इसकी जो एबिलिटीज है मेरे को काफी सही लगी है। गाइस जो होती है इसकी जो एबिलिटीज रहेंगी वे एक्टिव स्किल्स रहने वाली है, जैसे अपनी के करेक्टर की है डीजे आलोक की है, जो कि आपको क्लिक करके उनकी एबिलिटीज ऑन करनी पड़ती है, इस टाइप की इसकी स्किल्स रहेंगी। मैं आपको लीक्स के अकॉर्डिंग बता देता हूं इसकी एबिलिटीज किस तरीके से वर्क करती है। गाइस जैसे आप लोग इस करेक्टर की एबिलिटी ऑन कर लोगे ये अपना कुछ सर्कल टाइप सा बना लेगा, एंड उसके अंदर जो भी अपना एक्टिव स्किल का करेक्टर आएगा, मान लो आलोक आएगा, तो जो भी बंदा आलोक लेके आएगा वो अपने आलोक की जो एबिलिटीज होती है उनको यूज नहीं कर पाएगा। सेम ही अपना अगर कई करेक्टर कोई बंदा लेके आता है इस करेक्टर के पास तो अपने के करेक्टर की एबिलिटीज यूज नहीं कर पाएगा, मतलब ये जो करेक्टर रहता है ये जो है ना दूसरे करेक्टर की जो है ना जो स्किल होती है उनको ऑफ कर देता है। सीरियसली भाई मेरे को एबिलिटीज काफी ज्यादा मस्त लगी है, ये जो है ना क्लैश स्क्वाड में काफी काम आएगा आपके करेक्टर। मान लो अगर आप लोग कहीं मतलब रश कर रहे हो और आप इस करेक्टर की एबिलिटीज ऑन कर देते हो तो आपके सर्कल के अंदर भाई जो भी बंदा आएगा ना तो वो अपना डीजे आलोक यूज कर पाएगा ना ही अपना के करेक्टर यूज कर पाएगा, तो मतलब बहुत ही सही एबिलिटीज है गाइस। तो भी बिल्कुल भी गाइस इनको कंफर्म मत मानना, और यहां पे भाई लीक्स निकल के आती हैं, कंफर्म बिल्कुल हमें 21 तारीख को पता चलेंगे, पर जहां तक मेरे को लगता है 80% भाई आपको यही एबिलिटीज दी जाएंगी इस करेक्टर में। प्लीज गाइस आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता देना आपको किसकी एबिलिटीज ज्यादा अच्छी लगी है, अपने न्यू पेट की ज्यादा अच्छी लगी है फिर अपने न्यू करेक्टर की एबिलिटीज ज्यादा अच्छी लगी है, तो प्लीज से कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना। गाइस अब बात करने वाले अपने गेम में आने वाली नेक्स्ट रिवॉल्यूशनरी गन जो कि गाइस अपनी MP40 की रहेगी, मैंने ऑलरेडी भाई बहुत टाइम पहले आपको बताया था अपनी जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशनरी गन आ रही है वो अपनी MP40 की गन आ रही है। यहां पे गाइस एक बिल्कुल ही इसका न्यू पोस्टर भाई लॉन्च किया गया है, एंड आप लोग इस पोस्टर को देख के ये बिल्कुल भी मत समझना कि सेम आपको इस तरीके की गन दी जाएगी, मतलब कि गाइस ये जो होता है अपना ऑफिशियल वाला पोस्टर नहीं है, ओनली भाई यहां से क्रिएट करा गया है, तो ये ओनली दिखाने के लिए बताया गया है कि कुछ इस टाइप की अपनी जो है न्यू रिवॉल्यूशनरी गन आ सकती है अपनी MP40 की। और आपको मैं बिल्कुल 99.9% कंफर्म बता सकता हूं गाइस जो अपनी नेक्स्ट इवोल्यूशनरी गन आ रही है वो अपनी MP40 की ही आएगी। एंड गाइस साथ में आपको पता है जितनी भी इवोल्यूशनरी गन होती है उसका आपको इमोट भी दिया जाता है, तो यहाँ पे भाई इसका एक इमोट की क्लिप भी निकल जाती है जो कि कुछ इस टाइप की है, तो देख सकते हो गाइस इस वाली गन के अंदर भी आप सभी को एक इमोट दिया जाएगा। एंड अगर यहाँ पे बात करी जाए कैसे इवेंट में हमें मिलेगी, तो जहां तक मेरे को लगता है भाई ये वाली स्किन भी अपनी भाई फेडेड व्हील इवेंट में ही आएगी, एंड जैसी गरीना वाले कंफर्म बता देते हैं तो वो डिटेल्स भी मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये स्किन जो है बहुत ही सही स्किन है क्योंकि MP40 गन जो है बहुत बंदे यूज करते हैं, तो भाई
काफी मस्त स्किन आएगी इस बार ये वाली। अगर थोड़े टाइम बाद इसकी जो एबिलिटीज होती है, इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह भी मेरे पास आ जाएंगे, तो वो भी मैं बिल्कुल आपको एडवांस में बता दूंगा। चलो गाइज अब बात कर लेते हैं कुछ फ्री के इवेंट्स के बारे में। तो भाई यहाँ पे आपको गाइज एक टोटली गन की जो स्किन होती है भाई आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कैसे मिलेगी सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइज आपको पता है अपना क्लैश स्क्वाड का जो सीजन होता है, जब भी वो एंड होता है उसके बाद जो न्यू सीजन आता है उसमें आपको हमेशा से एक गन की स्किन बिल्कुल ही फ्री में मिलती है। जो अपना क्लैश स्क्वाड का न्यू सीजन आएगा उसके अंदर भाई बताया जा रहा है आप सभी को देखने के लिए मिलेगी अपनी जो होती है MP5 की स्किन, जो कि यार आप सभी को बताने की भी जरूरत नहीं है भाई, इसका कलर भाई गोल्डन ही रहेगा क्योंकि जितनी भी गन आती है भाई सबका कलर गोल्डन ही दिया जाता है। देख लो गाइस इस तरीके की यहाँ पे स्किन बताई जा रही है, जब आप लोग गोल्ड थर्ड से ऊपर चले जाओगे आपको ये वाली स्किन भाई टोटली बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो भाई इन गन की जो एट्रीब्यूट होते हैं भाई एक नंबर के टट्टी एट्रीब्यूट होते हैं, तो बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे को भाई पता नहीं इसमें क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे, जैसे मेरे को पता चलते हैं मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं अपने निब्बा और निब्बी वाले इवेंट के बारे में, मतलब अपने वैलेंटाइन डे इवेंट के बारे में। तो यहाँ पे गाइस आप सभी को भाई पता ही होगा अपना जो वैलेंटाइन डे होता है वो मतलब फरवरी मंथ में आता है, 14 या 15 को आता है, 14 में आता है। यहाँ पे गाइस फरवरी मंथ में आपको इसका जो इवेंट होता है भाई बिल्कुल जरूर से जरूर भाई आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उस इवेंट में कुछ आइटम्स आपको जो है ना टोटली फ्री में दिए जाएंगे, जो कि अभी तक भाई गरीना ने यहाँ पे लीक नहीं करे हैं, जैसी कर देगी मैं आपको दिखा दूंगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे गाइस बहुत सारे जो अपने अच्छे अच्छे बंडल्स होते हैं बताए जा रहे हैं वे आपको रिटर्न में देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ गाइस आपको रिटर्न में देखने के लिए मिलेंगे अपने जो रोज वाले इमोट होते हैं एंड जो अपना हार्ट वाला इमोट होता है, तो बताया जा रहा है भाई ये वाले इमोट भी आपको जो है ना रिटर्न में देखने के लिए मिल सकते हैं अपने वैलेंटाइन डे के। तो हो सकता है गरीना वाले इनको रिटर्न में दे दे किसी वेब इवेंट में, हो सकता है वो वेब इवेंट डिस्काउंट वाला भी हो सकता है या फिर फुल्ली डायमंड वेस्ट वाला भी इवेंट हो सकता है। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस मंथ के डिस्काउंट इवेंट के बारे में। तो भाई इस मंथ में बिल्कुल 99.9% चांसेस है कि आपको एक डिस्काउंट का इवेंट दिया ही जाएगा। एंड यहां पे भाई काफी सारे डिस्काउंट के इवेंट यहां पे लीगल के आ रहे हैं, जैसे कि भैया हो सकता है आपको जो आती है अपनी मिस्ट्री शॉप भी देखने के लिए मिल सकती है। यहां पे एक चीज बताऊं, अपनी जो मिस्ट्री शॉप आती है वो अपनी 21, 22, 23, 24 तक आपको देखने के लिए मिल सकती है, बट गाइस उसके अंदर आपको इलाइट पास नहीं दिया जाएगा, ये काफी जगह से भाई लीक्स लीगल के आ रही है। एंड अगर अपनी मिस्ट्री शॉप नहीं आती तो उसके अलावा आपको कोई और सा इवेंट भी भाई डिस्काउंट वाला दिया जा सकता है, जैसे अपना भाई व्हील ऑफ डिस्काउंट इवेंट होता है, तो इस तरीके के इवेंट भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। काफी हाई चांसेस है भाई इस बार डिस्काउंट इवेंट की। एंड अगर मिस्ट्री शॉप आ जाती है तो भाई काफी सही है, बट उसमें भाई लाइट पास तो मना कर रहे हैं, देखते हैं भाई देते हैं नहीं देते। अगर लाइट पास आ जाता है तो भाई काफी मस्त बात रहेगी एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि गाइस जब अपना ये मंथ स्टार्ट हुआ था जब ही गरीना वालों ने यहाँ पे भाई क्लियरली बोल दिया था इस मंथ का जो इलाइट पास रहेगा हम डिस्काउंट में नहीं देंगे। एंड भाई सेकंड थिंग ये भी है, जब अपनी मिस्ट्री शॉप आती है तो हमें 20 से 25 के बीच में देखने के लिए मिल जाती है, एंड उसके अंदर हमें इलाइट पास मिल जाता है। एंड अगर मिस्ट्री शॉप 20-25 से बाद में आती है पहले आती है तो उसके अंदर इलाइट पास नहीं रहता। तो सीरियसली भाई मैं तो बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ, क्या इलाइट पास आएगा नहीं आएगा, देखते हैं गाइस क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या लगता है आपको गरीना देगी या नहीं देगी, हो सकता है गरीना वाले ने पहले मना कर दिया बाद में भाई सरप्राइज दे दें। एंड आप लोग अपनी प्रिडिक्शन भाई कमेंट सेक्शन में करो, आपको क्या लगता है भाई गरीना वाले क्या करने की सोच रहे हैं। एंड बात कर लेते हैं टू नाइट अपडेट के बारे में, रात के 12 बजे अपने गेम में क्या न्यू आ रहा है अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा 9:30 बजे के बाद आना है हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेनी है, वहां पे आपको पता चल जाएगा रात के 12 बजे क्या आ रहा है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, अपडेट्स अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड गाइस अब मिलूंगा कल 7:30 बजे, जब तक के लिए बाय बाय।